नाजरन दवाई साफ कश्मीर में आपका खैर मुकदम मैं हूँ आपका मेज़बान जाहद जावेद नाज्रीन आज दवाई साफ कश्मीर की टीम पहुँची है लोलाब के एक खूबसूरत गाँव सायमन लोलाब में जहाँ पर आज के इस तरक् याफ्ता दौर में जगह जगह पर हुकूमत सड़कें पहुँचाने की दावा कर रही है लोगों को तबी या बुनियादी सहूलियात पहुँचाने की दावे बड़े बड़े दावे कर रही है वही अगर हम वादी कश्मीर में सड़कों या दीगर सहूलियात की बात करें तो आज भी उनका काफ़ी ज़्यादा फुकदान पाया जाता है आज हम पहुँचे हैं लो, लोलाब के खूबसूरत गाँव साइवन लोलाब में यहाँ पर दो हज़ार उन्नीस में एक इनर लिंक निकाली गई जिसके लिए हुकूमत की तरफ से बाबा तौर पर चौदह लाख रुपया वागुजार किए गए लेकिन जब हमने इस सड़क का जमीनी सतह पर मुशाह किया तो पता चला सिर्फ इस पर ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए दो या तीन लाख रुपया खर्चा किया गया है जिसके चलते ये सड़क न ही गाड़ियों के आमद रफ्त के लिए काबिल है न ही आम इंसान के चलने फिरने के लिए जिसके वजह से यहाँ जो लोग रह रहे हैं जो यहाँ की आबादी है इनको बारिशों में या फिर जाड़े के मौसम में काफ़ी दुशारीों का सामना करना पड़ रहा है हालांकि इन्होंने बारहा इंतज़ामिया से इस बारे में कोशिश मुतल किया इंतज़ामिया को ज़िला इंतज़ामिया को और मुतलका जो डिपार्टमेंट है यानी कि आर डिपार्टमेंट इनके ऑफिसरान तक ये बात पहुंचाए कि मुतल का जो कॉन्ट्रैक्टर था इसने यहां पर बेजाबगियाँ की है इसने ये पैसा जो इस गवर्नमेंट का पैसा है इसको ज़ाया किया है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन आज तक इनकी इत रसीद नहीं हुई है इसके बावजूद उन्होंने बाद में ग्रीवन सेल गवर्नर ग्रीवन सेल में भी कंप्लेंट दायर की जिसके बाद यहाँ पर एक टीम आई लेकिन टीम ने सिर्फ मुशाह किया जिसके बाद आज तक इस पर कोई ना ही कोई मरम्मत का काम शुरू किया गया और ना ही यहाँ पर कोई कोई इंतजामिया की तरफ से कोई ऑफिसर आया हम यहाँ के लोकल से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि इस रोड पर आज भी बड़े बड़े पत्थर है ये चलने फिरने के बिल्कुल काबिल नहीं है तो नाजरीन आप हमारे साथ बने रहे हम आपको इस आ, इनर लिंक की पूरी दास्तान सुनाएंगे मेरे तरफ से कश्मीर कश्मी, को असलकुम अपील करा डी सी

यानी कि डी सब बिल्कुल डिस्ट्रिका अन एपील कौर अपल डी सी सूसा ये चूंकि रकम कैसे गाड़ी क्या गान गो, क्या गोर सड़क हाल क्या महरबानी कर महरबान डील कर इस बार बार अफसर मगर उस मिलिक बागस कल लगे एगजान पे एस पी जे ईस्परवायसर सए एगजान तक उन्होंने मिलिक बाग कर रकम हड़प कर लिया है कोई नहीं एक दिन जय आया है उन्हें बोला दस दिन मुझे मोहलत दस दिन मुझे महलत दे दो तो मैं ये सड़क ठीक करूंगा लेकिन आज वो उसका मुंह भी हमने नहीं देखा है जी सब अपील करते हैं अपील करते हैं कि हमने सुना जी सब तो हमें पता है ये इसने ये डिस्ट्रिक्ट असल तरीके चलाया हम जिस सब मोल में अपील करते हैं मौल वो यहाँ आए खुद आए खुद आए इस सड़क का मुआना करे है। अगर हम झूठ बोलते हैं हमें उसके सजा दे अगर उन्होंने ये चोरी किया है एक्जन ने वगैरह ने उनको उनका पैसा पैंस, कहाँ उन्होंने हड़प किया है जी नाजरीन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो ख़जाना है लूटा जा रहा है अफसरान की जानब से ये सब अफसरान ऐसे नहीं हो सकते हैं लेकिन चंद एक ऐसे भी आफसरान मौजूद होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में जिनका काम सही नहीं होता है सच ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के लोकल इनमें यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान है जो यहाँ की काम को भी देखता है एक सोशल एक्टिविस्ट भी है तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही इन्होंने कई बार अगर जो मुतलका डिपार्टमेंट है या आर डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं अगर उन्होंने कई बार इसके वहाँ पर कंप्लेंट दायर की तो उन्होंने वहाँ पर इनको एश्योरेंस भी दी कि हम जल्द अज़ जल्द इस रोड पर का ये काम शुरू करेंगे तो आज तक क्यों नहीं हुआ ये काम जी आप बताएँ आपका नाम क्या है जी असल पहले मैं जावेद साहब आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने टाइम निकाला है तीम, अपना किमती टाइम निकाला है और आप यहाँ पे आए लोगों के जो गरीब को रेड्रेस करने के लिए जो हमारी जो कंप्लेंट है हमने पहले पाँच मार्च को कंप्लेंट ग्रीवन गवर्नमेंट गवर्नर ग्रीवनसल में दर्ज की है रिगार्डिंग दिस रोड ये रोड मेन रोड साहिबन से निकल कर हरमिंदाट के मतलब जहाँ तक जहाँ तक है वहां आए वहाँ तक जा सेक्शन हुई है और दो हज़ार उन्नीस में हाँ पिछले साल फिर जो इसका जो कॉन्ट्रेक्टर गं, था उसने थोड़ा काम किया है थोड़ा काम किया है फिर उसने ये काम को ऐसी अधूरा छोड़ दिया है फिर हमने ग्रीवेंस पहले उसको कहा है औरली कि आप सर आप ये कीजिए काम हमें तो बहुत सी मुश्किल का का सामना करना पड़ रहा है लेकिन उसने हमारी बात को सुन के मतलब एक कान से सुनाया दूसरे कान से निकाल दिया है फिर उसके बाद हम मजबूर हो गए हमने ग्रीवेंस सेल में ये कंप्लेंट दर्ज की पाँच मार्च को उसके बाद डिपार्टमेंट देपार्ट, वाल वाले तो हमारे पास नहीं आए लेकिन उन्होंने रिपीटली ग्रीवेंस में जो अपना रेस्पॉन्स लिखते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुपारा ने मैं तो डी सी डी सी साहब ने उन्होंने ये लिखा कि हम सपोर्ट पर आए हम लोग हमने लोगों से बात भी की है हमने ग्रीवेंस को सॉल्व भी किया है लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए उनके पास कोई हमने फिर उन्होंने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया पर्सनली मैंने उनको कहा कि सर आप ये प्रूफ दीजिए कि आप आए लोग आपने लोगों से बात की है आपने जो कंप्लेंट है उसको रिड्रेस किया है लेकिन उससे स कोई जवाब नहीं, नहीं, नहीं था नहीं था लेकिन उसके बाद हमने फिर से ग्रीवेंस में जो हमारा रेस्पॉन्स रहता है हमने कहा कि हाँ हम इससे पूरी मुतफिक नहीं है जो आपका रेस्पॉन्स है उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ही आ जाए ये हम विथिन ऑफिस हम इस ग्रीवेंस को सॉल्व करेंगे ये फिर हमारी जो इस ये कमेटी है ये गई थी पाँच दस मेम्बर वहाँ गए थे उनके आफ उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोमिज़ किया कि विथ इन टेन डेज हम इसको कर देंगे तो पहले में मैं एक बात बात भूल गया आपको बोलने के लिए कि उस मार्च में हमने उनको कहा था कि आप आ जाए उन्होंने कहा सर अभी तक अभी तो मटीरियल अवेलेबल नहीं है हम आ जाएंगे लेकिन उस वक़्त हर जगह काम चल रहा था वैसे नरेगा का या पी एम जे एस वाई का हर काम मैं तो देखता रहता हूँ हर जगह काम उन्होंने झूठ बोला फिर जब मीटीरियल अवेलेबल हुआ हर जगह काम उन वो दूसरी जगह भी काम कर रहे थे उस वक्त उन्होंने वो यहाँ नहीं आए उन्होंने कहा जब हम उनके ऑफिस में गए उसने कहा कि हम आ जाएंगे फिर वो यहाँ नहीं आए और उसके बाद जब हमने ग्रीवेंस में कहा कि सर

बंड और इसमें जो जो भी आता है हमने पूरा कंप्लीट किया है फिर हम मैंने उसको रेस्पॉन्स किया सर आए, आप आइए आप देखिए आपने कहाँ ड्रेन कहाँ बनाई है कहाँ कहाँ आप देखिए आप देख सकते हैं उन्होंने कहाँ ड्रेन बनाई है लेकिन उसके बाद उनके पास जवाब नहीं था तब से अभी तक वो चुप है वो हमें ये मतलब लोगों को मतलब धोखे में रख रहे हैं एक्चुअली ये प्रोजेक्ट है कुछ फोर्टीन लेख और कुछ सम थाउजेंड फोर्टीन लेख थर्टी का प्रोजेक्ट है लेकिन मुझे नहीं लगता है तीन चार लाख उन्होंने इस पर खर्च किया है

पहले वो आए नहीं हमारे डिपार्टमेंट जो एग्जी कंसर्न इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आए नहीं हैं उन्होंने जो उनके जो जो हैं एजेंट रहते हैं उन्होंने उनको उन्हों भेजा है मैंने एग्जी को बोला था कि सर आप खुद आ जाइए आप हमारे से बात कीजिए हम वही रास्ते में बात ये जो मसला है वही रास्ते में सॉल्व करेंगे ये ये काम तो विथ इन ऑफिस में नहीं सॉल्व होता है उन्होंने इसका इस बात को भी नकार दिया है अब जावेद साहब इस चैनल के वसादे से हम अलाकाम से यही मैसेज फारवर्ड करना चाहते हैं कि आप आइए इस रास्ते को देखें कि लोग बहुत सी मुश्किल का, का सामना कर रहे हैं थैंक यू सर जी नाजरीन आपने देखा ये लोग इन्होंने कहाँ कहाँ तक ये पहुँचे है ग्रीवन सेल में भी इन्होंने कंप्लेंट की और मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर को पा रहा इमामुद्दीन साहब उसको ज़ाती तौर पर इन्होंने मुला कि आप खुद आए या आप यहाँ पर एक टीम भिजवा दीजिए जो इसका मुशाह करे कि हकीकाता में हुआ क्या है लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है अब हमारी भी यही गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से गवर्नर मनोज सिन्हा से कि अगर मरक़ की तरफ से करोड़ों में अरबों में पैसा इसलिए आता है कि ग्राम गाँव गाँव की तरक्की को मुमकिन बनाया जाए लेकिन इसके लिए बाबा तौर पर फिर एक टीम होती है जो इसकी सुपरवा इसको सुपरवाइज़ करती है कि आया ये पैसा सही रास्ते पे खर्च किया जाता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी हमें उम्मीद है कि हमारी ये बात मुतलका हुकाम तक पहुँचेंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत सारे चूल्हे आबाद हैं इनको अगर खूसा सर्दी के मौसम में कोई परेशानी होती है या किसी का डिलीवरी का मामला होता है या बच्चों को स्कूल जाना होता है तो शायद ही इस रोड से इंसान चल पाए हम भी मुश्किल आए हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर के अलावा कोई गाड़ी नहीं चल सकती है तो नाजरिन दीजिए आज जाहद जावेद को इस वादे के साथ इजाजत कल फिर मिलेंगे किसी और मौजू के साथ तब तक के लिए अल्लाह नगेबान